हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक रहेगा आज निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री के हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है, जो बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होते हैं, हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले उन सबका हम बेस पढ़ने वाले हैं, उन सबका बेस होगा क्या। ठीक है, तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, सबसे पहले बात, जब भी निर्देशांक ज्यामिति आती है तो तुरंत से मेरे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, और वो चीज है मेरे दिमाग में कार्तीय तल। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या आता है मेरे दिमाग में तुरंत से? कार्तीय तल आता है, कार्टेशियन प्लेन आता है। और जब भी मेरे दिमाग में कार्तीय तल आएगा तो तुरंत से एक बात मुझे पता चल जाएगी कि मेरे कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक वो कौन कौन से होंगे, एक एक्स और दूसरा क्या होगा वाई, वी कॉल्ड पॉइंट यानी कि हम बिंदु, जिसको हम बिंदु कहते हैं। जैसे क्वेश्चनों में लिखा होता है कि बिंदु 4-5, तो बिंदु हम पूरे को बोलते हैं, उसके अंदर जो होते हैं उन्हें वो कहते हैं निर्देशांक। जैसे हम कहेंगे बिंदु एक्स वाई, हम क्या कहेंगे बिंदु एक्स वाई, बट अगर हम कहें इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स एक्स का निर्देशांक हमारा एक्स होगा और वाई एक्स का हमारा निर्देशांक वाई होगा। ठीक है बच्चों, तो कार्तीय तल तुरंत से मेरे दिमाग में आ जाने चाहिए चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, तुरंत से मेरे दिमाग में क्या आने चाहिए चतुर्थांश, कि चतुर्थांश है क्या। ठीक है, जब भी ऐसी बात आएगी तो तुरंत से मेरे दिमाग में आएंगे चतुर्थांश। फोकस करेंगे बोर्ड पे, वीडियो को ध्यान से देखें बहुत, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो आप स्किप कर दोगे, बट हम इनको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चतुर्थांश में आपको पता होना चाहिए ये वाला अक्ष हमारा होता है एक्स एक्स डैश, इधर की ओर जो एक्स होता है उसको हम धनात्मक लेते हैं, इधर की ओर जो अक्ष होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस होता है बच्चों, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, होता है वाई एक्सिस ऊपर की तरफ वाई और नीचे वाई डैश, ऊपर ये धनात्मक होता है और नीचे होता है ऋणात्मक, और जहां एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं वी कॉल्ड ओरिजन, मतलब हम उसको कहेंगे मूल बिंदु, जहां एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, क्या बोलते हैं ओरिजन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, एक्स और वाई यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। जब हम मूल बिंदु से एक्स एक्स की ओर दाई तरफ चलते हैं तो एक्स एक्स हमेशा कैसा होता है धनात्मक, और जब बाई ओर चलते हैं तो हमारा कैसा होता है ऋणात्मक। सेम यही बात हम लेंगे वाई एक्सिस से, जब ऊपर चलेंगे धनात्मक और नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक होता है। बच्चों ये सारे के सारे 1, 2, 3, 4 ये होते हैं आपके चतुर्थांश, 1, 2, 3, 4 चार चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, इसमें दोनों धनात्मक आपको मिलेंगे, ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें आपका एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा, और इसमें ऋणात्मक और ऋणात्मक होंगे, और इसमें आपके एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। ये बनते कैसे हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। जब भी कोई बिंदु बनाना होता है हमें, जब भी कोई बिंदु बनाना होता है तो हमेशा ध्यान रखना है उस बिंदु को ऐसे बनाते हैं भुज कोमा कोटि, मतलब क्या है भुज होता है हमारा एक्स एक्स का निर्देशांक, तो भुज होगा एक्स एक्स पर दूरी या निर्देशांक, कितनी दूर चले हैं वो निर्देशांक में ही बदलता है, और जो हमारी कोटि होती है वो होती है वाई एक्स पर, इस पर होती है वाई एक्स पर होती है। जब भी बिंदु बनाते हैं तो पहले आएगा एक्स का कोऑर्डिनेट और फिर आएगा वाई का कोऑर्डिनेट, पहले बच्चों किसका कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों एक्स का कोऑर्डिनेट, और फिर किसका और कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वाई का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, अब ये धनात्मक कैसे बने हैं, अब हमें इस वाले चतुर्थांश में देखना है इस वाले में एक्स और वाई कैसे हैं। तो जब हम इस वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, फोकस करेंगे यहाँ, इस वाले चतुर्थांश में हमारा एक्स एक्स है कैसा है धनात्मक, ये हमारा वाई एक्स है ये भी कैसा है धनात्मक, मतलब एक्स प्लस का है और वाई भी कैसा है प्लस का, तो एक्स प्लस का तो पहला बिंदु किसका लिखा जाएगा एक्स का, दूसरा किसका लिखा जाएगा वाई का। उसके बाद हम सेकंड वाले में आते हैं, तो ये हमारा धनात्मक है ये ऋणात्मक है, अब हमें धनात्मक और ऋणात्मक दिए हैं, अब हमें इस चतुर्थांश में देखना है एक्स कैसा है, एक्स है हमारा ऋणात्मक, इसलिए एक्स वाला
पहले लिखना है, और y कैसा है धनात्मक इसको बाद में लिखना है। तो ये हमारा ऋणात्मक है, तो x पहले, y धनात्मक को बाद में। उसके बाद यहाँ जब हमें तो y भी धनात्मक और x भी, तो x y दोनों। फिर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ इस वाले चतुर्थांश में ये एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये क्या है वाई। एक्स कैसा है धनात्मक और वाई कैसा है ऋणात्मक। तो ये धनात्मक ऋणात्मक हम एक्स वाई के अकॉर्डिंग बनाते हैं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं बच्चों? एक्स वाई के अकॉर्डिंग बनाते हैं इनको, कि हमारे धनात्मक ऋणात्मक एक्स वाई के अकॉर्डिंग कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का खेल, जिसे हम कहते हैं कार्तीय। क्या कहते हैं? कार्तीय। और ये होता है आपका पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अभी आपसे ऐसा पूछा गया हो कि बिंदु 5.4 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो हमें उस बिंदु को फोकस नहीं करना, बट हमें देखना है कि वो जो बिंदु है उसके आगे साइन कन्वेंस कैसा है, मतलब वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो फोकस करेंगे ये जो 5 है ये कैसा है धनात्मक, और ये 4 जो है ये भी कैसा है धनात्मक। तो आपको पता होना चाहिए जो धनात्मक और धनात्मक वाले होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हम चेक करेंगे धनात्मक धनात्मक किस में है, पहले में। तो हमें केवल उनके साइन कन्वेंस उठाने हैं और उनसे हम बताएंगे कि वे कौन से चतुर्थांश में होंगे, वे कौन से चतुर्थांश में होंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जो मैंने लिखा है इस सब को नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करने का मतलब वीडियो को रोक लेना है, जो आप यूट्यूब से देख रहे हैं उसे स्टॉप कर लो और फिर उसके बाद बोर्ड से नोट कर लो, क्योंकि जो स्क्रीन है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बात रहेगी कोऑर्डिनेट में, नेक्स्ट जो हमारी बात रहेगी कोऑर्डिनेट में वो रहेगी, जैसे हमसे दिया गया है अभी चतुर्थांश में हमने लिया था ये हमारा एक्स एक्स और ये हमारा है वाई एक्स, जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, डिस्टेंस चलने पर कैसे, जैसे हमसे कहा कि आपको एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में 4 चलना है, तो आपको क्या करना है, एक हम पैमाना लेते हैं। ठीक है, उस पैमाने पे हम मान लेते हैं कि ये जो एक पैमाना है ये 1 मीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है, इस तरीके से एक पैमाना मानते हैं जिसे हम ग्राफ पे दिखाते हैं। क्या पे दिखाते हैं? ग्राफ पे। तो बच्चों यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, प्लेन बोर्ड है, प्लेन बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, जैसे एक्स एक्स पे आपको 4 इकाई चलना है और 4 इकाई चलना है तो आप 4 इकाई चले, कैसे देखे जा रहे हैं, 1 2 3 4। इस बात का ध्यान रहना है कि जब आप ऐसे चलते हो तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां हैं बराबर होनी चाहिए। तो पूछा ये बिंदु क्या बनेगा यहाँ, तो ये दूरी तो 4 बन गई। जो बिंदु बनता है, बिंदु हमेशा x और y से बनता है, किससे बनता है बच्चों, x और y से बनता है। तो x हमारा कितना है बच्चों, 4 है, x कितना है हमारा बच्चों, 4। y यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, y तो नहीं दिया हुआ है कि भाई x पे कितना चला हुआ है, बट ध्यान रखना है जब हम केवल x पे चलते हैं तो उस बात का ध्यान रहे x अक्ष पर y बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, तो y मुझे पता चल गया 0 होगा। ठीक है, तो मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि जब x अक्ष पर होंगे तो y को क्या लेंगे, 0 लेंगे। बाय द वे हम y अक्ष पर हैं, कौन से अक्ष पर हैं बच्चों, y अक्ष पर हैं, तो हम x को 0 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन उठता है। क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन यहाँ से देखे आपको कि x अक्ष का समीकरण बताओ क्या होगा। क्या कहा कि x अक्ष का समीकरण, यहां से पूछ लिया x अक्ष का समीकरण बताओ। ठीक है, तो x अक्ष का जो समीकरण होता है बच्चों वो होता है y बराबर 0। क्या होगा बच्चों, y बराबर 0। बाय द वे ये कह दे रहे कि y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण तो बच्चों ये होगा x बराबर 0। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं पर आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाले कॉन्सेप्ट हैं। कैसे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, फायदा देने वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये कहता है कि x अक्ष के समांतर, ठीक है बच्चों यहां से कहता है x अक्ष के समांतर समीकरण क्या होगा, तो समीकरण होगा y बराबर k। फिर k क्या होगा, k ये होगा कोई बिंदु हमसे दे देगा और हमसे कहेगा इसमें x अक्ष के समांतर समीकरण बताओ, तो जो भी y का मान होगा वो होगा इसके समांतर समीकरण। बाय द वे ऐसे कह देवे कि y अक्ष के समांतर समीकरण बताओ, तो y एक्स के समांतर जब आप समीकरण बताओगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो होगी x बराबर k। मतलब बिंदु में जो भी x का मान होगा वो हमारा k बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, k बन जाएगा। दूसरी बात यह है
जब हम एक्स एक्स और वाई एक्स की बात करते हैं तो हमारे ये दो अक्ष हैं, अर्थात हम एक प्लेन पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? प्लेन, मतलब दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ एक सीधे से समतल की। किसकी बात कर रहे हैं? समतल की बात कर रहे हैं, बोर्ड एक समतल है, ठीक है। और जितने भी हमारे डायग्राम होते हैं, बाय द वे हम उनपे बोर्ड पे बनाएं तो वो सारे के सारे हम 2D बना लेते हैं, ठीक है। बाय द वे कोई 3D डायग्राम होगा तो बोर्ड पे नहीं बनेगा। और निर्देशांक ज्यामिति का जो हम पार्ट पढ़ते हैं, जो पार्ट पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के, बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप सोच लेते हो जितना हमें पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति है, नो, निर्देशांक ज्यामिति शुरू होती है हमारी सरल रेखा से। कहां से शुरू होगी बच्चों? सरल रेखा से शुरू होगी और ये चलती रहती है, और इसके पूरे 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बच्चों? 7 पार्ट हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, सारे पार्ट आप पढ़ते जाओगे, पर सारे पार्ट आप केवल 10th ही क्लास में नहीं पढ़ोगे, आगे भी जाके पढ़ोगे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते हैं हम 2D, टू डायमेंशनल। कैसी पढ़ते हैं बच्चों? 2D, ठीक है। जिसका दूसरा नाम हिंदी में हम कहें तो होती है द्विविमीय। कैसी होती है बच्चों? द्विविमीय होती है। द्विविमीय का मतलब होता है कि इसमें दो विमाएं होती हैं, और विमाएं हमेशा एक्स एक्स और वाई एक्स से दिखाई जाती हैं। इसलिए ही समीकरण को ध्यान रखना है, जब भी निर्देशांक ज्यामिति का समीकरण होगा या तो एक्स में होगा या वाई में होगा, या एक्स और वाई दोनों में दिया होगा, ठीक है। क्या में होगा? या तो एक्स में होगा या वाई में होगा, एक्स वाई दोनों में होगा। मतलब यह है कि इसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? दो। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विविमीय कहते हैं इसको, ठीक है। चले, जैसे एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपसे ये कहा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें समझते रहे। ये कहा कि बिंदु बिंदु, ठीक है, यहां से दिया बिंदु 4-3 को प्रदर्शित करो। तो आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लोगे। ये एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी किसकी होती है बच्चों? वाई की वैल्यू होती है। हमें पता चल गया हमें एक्स पे +4 इकाई चलना है। किधर चलना है? धनात्मक की ओर चलना है। किधर चलना है बच्चों? धनात्मक की ओर चलना है। तो यहाँ 4 इकाई चलेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। कितने इकाई चलेंगे यहाँ तक? 4 चले। उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 3 चलना है बच्चों। चलो 3, 1, 2, 3। इस बात का ध्यान रहे ये दूरियां आपस में बराबर हो, कम ज्यादा नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको जो वाई एक्सिस पे चला है उसमें एक्स एक्सिस के समांतर एक ऐसे लाइन खींच लेनी है डॉटेड डॉटेड, और जो एक्स एक्सिस पे चला है उसमें वाई एक्सिस के समांतर ऐसे लाइन खींच लेनी है। जहां ये लाइनें डॉटेड डॉटेड एक दूसरे को कटेंगी, वो बिंदु प्रदर्शित करेंगे 4-3। किसको प्रदर्शित कर रहा है? वो बिंदु 4-3 को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि ये दूरी 4 थी, कितनी थी ये दूरी? 4। पूछा ये दूरी कितनी होगी? ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस के समांतर दूरी खींची जाती है ये भी 4 ही होगी। कितनी होगी बच्चों? 4 ही होगी। अच्छा, ये दूरी हमारी जो है 3 थी, तो बच्चों ये दूरी भी कितनी होगी हमारी? 3 होगी। कितनी होगी बच्चों? 3 इकाई होगी। ये 4 इकाई है, इसके समांतर ऊपर 4 इकाई, ये 3 इकाई, इसके समांतर ये भी 3 इकाई है बच्चों। मैंने क्या करा? इस बिंदु को सीधे मूल बिंदु से मिलाया। इस बिंदु को किससे मिलाया बच्चों? सीधे मूल बिंदु से मिलाया। मूल बिंदु हमारा क्या है? 0,0। तो मुझे एक चीज नजर आई कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा त्रिभुज बना हुआ है बच्चों? समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में ये कैटेगरी है, कर्ण होगा, ये लंब हमने मान लिया आधार। जब लंब और आधार एक 3 है एक 4 है, तो हमारा जो कर्ण आएगा वो निकल कर आएगा कितना? 5। कितना आएगा? 5। क्योंकि आप लगाओगे PGT पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस थ्योरम में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना है हमारा? 3, 3 का वर्ग करेंगे। आधार कितना है? 4, 4 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होगा हमारा 9 और 4 का वर्ग होगा हमारा 16, तो जाएगा टोटल 25। तो कर्ण का जो वर्ग आया है वो आया है 25। मतलब कर्ण हमें निकालना है तो वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यह आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, ठीक है। पर ये हमने जो मेथड लगाया है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट का मेथड नहीं है। अगर कोई आपको बताता है कि ये कोऑर्डिनेट का मेथड है, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेगा, तो बच्चे कोऑर्डिनेट का मेथड नहीं है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी है तो आपके पास कितने बिंदु है बच्चों? एक बिंदु आपका हुआ 4,3, दूसरा बिंदु क्या हुआ आपका बच्चों? 0,0। तो यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कितने बिंदुओं के बीच की दूरी हुई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हुई, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बाय द वे मेरे पास बिंदु गिवन हो
एक बिंदु मेरे पास है एक्स वन कोमा वाई वन और दूसरा बिंदु है एक्स टू कोमा वाई टू, तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसका फॉर्मूला है डी बराबर, डिस्टेंस डी बराबर, कुछ बुक में कैपिटल डी भी लिखा हुआ है, दूरी डिस्टेंस इतनी डी लिया हुआ है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0.0 और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है 4.3, तो हमें क्या करना है दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ये होगा एक्स वन वाई वन और ये होगा एक्स टू वाई टू, तो जाएगा डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करनी है जो वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0 और दूसरी है 4.3, तो यहाँ से देखना है एक्स टू की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4, बीच में क्या है माइनस, फिर एक्स वन कितना है बच्चों 0, तो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद वाई टू कितना है बच्चों 3 माइनस वाई वन कितना है बच्चों 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर, तो जाएगा डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 - 0 मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर और 3 - 0 कितना होगा बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर, तो जाएगा डी बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा बच्चों 16 और 3 का कितना होगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 25, तो अंडर रूट 25 दैट मीन 5, तो हमारी जो यहां से आंसर आया है वो 5 आया है। पर मैं आपको बताऊं इसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि जब भी हम स्क्वायर रूट से किसी वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो वो आती है ±5, हमें नहीं पता कि यहाँ दूरी का मात्रक क्या है, इसलिए हम आगे मात्रक या इकाई जिसको हम इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, हम यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों यूनिट भी लिख सकते हैं। अब जो डी की वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है ±5, तो ±5 में मैं ±5 ना लिखते हैं, इसको मैं डायरेक्टली +5 लिख लेता हूँ, क्योंकि जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस में हमेशा दिशा नहीं होती, बाय द वे विस्थापन होता तो मैं +5 भी देखता और -5 भी, अगर ये दूरी है तो दूरी में हमेशा हम परिमाण लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 मात्रक, क्या लिखेंगे बच्चों 5 मात्रक लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, आप डायरेक्ट अंडर रूट 25 को 5 मात्रक लिखते हो, बट क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये दूरी है इसलिए हम परिमाण लिखते हैं, इसको बोलते हैं परिमाण। बाय द वे मेरे पास ±5 दिया, परिमाण पूछा तो मेरा 5 होगा, चाहे वो -5 का हो और चाहे वो +5 का हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ±5 था और ये विस्थापन होता जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जिसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो फिर मुझे +5 भी लिखना होता और -5 भी लिखना होता, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, उसमें दिशा दिखानी पड़ती है और दिशा हमेशा ±, से डिनोट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है, हम ये चीजें स्किप कर देते हैं। तो हमने डायरेक्ट निकाल तो ली थी पाइथागोरस थ्योरम से, बट ये पाइथागोरस थ्योरम इसका रूल नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं त्रिभुज में, किसमें पढ़ते हैं बच्चों त्रिभुज में पढ़ते हैं, इससे पहला जो चैप्टर है, बट हमें पढ़ना है किसमें निर्देशांक ज्यामिति में, तो हम यहाँ यूज करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल के लिख लेते हैं, बाय द वे ये आपके पास एग्जाम में आया और आपने डायरेक्ट पीजीटी में चिपका दिया, तो मैं आपको बताऊं पीजीटी चिपकाओगे तो तुरंत से ये सारा कॉन्सेप्ट आपका त्रिभुज के अंदर जाएगा, और हमें यूज क्या करनी है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं बच्चों दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट एक होता है आपका 2D पार्ट बच्चों, और एक पार्ट होता है आपका 3D, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो 2D, 3D आप आगे पढ़ोगे, कक्षा 10 में आपके पास 3D नहीं है, 3D दैट मीन्स हम कहेंगे 3D का मतलब है हमारे पास 3 अक्ष हो एक्स वाई और जेड है, लाइक स्पेयर यानी कि गोला, और 2D हमारे दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, या हम वाई जेड कोऑर्डिनेट लेंगे, या हम जेड एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। बाय द वे मेरे पास 2x + z = 3 एक इक्वेशन ये है, मैं सारी इक्वेशन लिख के बताऊं, या मेरे पास इक्वेशन है x + y = 2, या मेरे पास इक्वेशन है y - 2z = 1, तीन इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। फिर से पूछा ये इक्वेशन आपके पास निर्देशांक ज्यामिति में द्विविमीय की है त्रिविमीय की है, तो हमें देखना है इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स और जेड दिए गए हैं, कितने कोऑर्डिनेट हैं दो बच्चों, तो ये द्विविमीय हुई, इसमें कितने कोऑर्डिनेट है बच्चे दो, से भी द्विविमीय हुई, तो हमारे तीन विमाएं होती है टोटल एक्स वाई जेड, कितनी विमाएं होती है बच्चों टोटल 3 विमाएं होती है, अगर इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो विमा उठाकर इक्वेशन बनाता है तो हमेशा इक्वेशन बनेगी आपकी निर्देशांक ज्यामिति में द्विविमीय की,
इसकी इक्वेशन बनेगी बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में द्विविमीय की इक्वेशन बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना है, आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पढ़ते हो बट वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट के दो पार्ट हैं। आप कौन से पार्ट को पढ़ रहे हो, उसमें द्विविमीय को पढ़ रहे हो। किसको पढ़ रहे हो बच्चों, द्विविमीय को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो किन्हीं दो से इक्वेशन बनाएगा तो ध्यान रखना है वो हमेशा 2D की बनेगी। बाय द वे ये इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों हो, जैसे लाइक 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, मैंने इक्वेशन यहां से बनाई तो इक्वेशन होगी आपकी 3D की। तो ऐसी कोई इक्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपकी सारी इक्वेशन x और y में होगी। कौन सी होंगी बच्चों, x और y में होगी। और x और y मतलब ये हमें एक प्लेन बनाया गया है, एक प्लेन में होते हैं, मतलब जैसे बोर्ड है तो बोर्ड को मैं एक्स वाई में दिखा सकता हूँ। जिस दिन मेरे पास जेड आएगा तो मैं बोर्ड पे जेड को नहीं दिखा सकता, ठीक है, वो 3D में बनते हैं। हमारे पास केवल एक्स और वाई ऐसे हैं ये, ठीक है। जिस दिन जेड आएगा तो ये हमारा एक्स होगा, ये ग्रीन वाला मार्कर, और रेड वाला मार्कर क्या हुआ आपका, वाई एक्सिस हुआ, और ये जो पेन है ये आपका होगा जेड एक्सिस, ठीक है। बट ये जेड एक्सिस अभी हटा हुआ है आपसे, आपके पास केवल ये दो कोऑर्डिनेट हैं। ये लाइन पूरी इंटरसेक्ट करते हैं निकल जाती है नीचे की तरफ, इसका एक इमेज होती है क्रिएट, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस की और वाई